अगर हम आजादी के पहले इंडियन हिस्ट्री उठाकर देखें तो पता चलता है कि इंडिया पर किन किन लोगों की हुकूमत थी। सबसे ज्यादा मुगल एम्पायर ने भारत पर राज किया है और हर सेंचुरी के अलग अलग शेड हमें देखने को मिले हैं, जिन्हें कई सारी फिल्मों जैसे मुगल आजम, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी फिल्मों के जरिए दिखाया गया है। और अब फिल्म हरिहर वीर मल्लू का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही हिस्ट्री को दर्शाती है। और आज के इस वीडियो में हम इसी ट्रेलर की बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hey guys, आप देख रहे हैं बज़ूका रिव्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। पवन कल्याण की अपकमिंग फिल्म हरिहर वीर मल्लू का टीजर रिलीज हो गया है। ये उनकी पैन इंडिया फिल्म है, जिसका फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे। टीजर के साथ फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया गया है। फिल्म को इसी साल रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। साउथ फिल्म हरिहर वीर मल्लू के चर्चे काफी समय से हो रहे थे। डायरेक्टर कृष्ण जगन्नामुदी की बनाई इस फिल्म से बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल साउथ डेब्यू करेंगे। बॉबी इस फिल्म में मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग उन्होंने हैदराबाद में शुरू कर दी है। फिल्म के लिए 17th सेंचुरी के दरबार का सेट लगाया गया है। इस दरबार में पवन और बॉबी देओल के मेन सीन्स को शूट किया जाएगा। टीजर देखने के बाद ये पता चलता है कि पवन कल्याण इस फिल्म में एक योद्धा के रूप में दिखाई देंगे, वहीं बॉबी देओल एक तानाशाह के तौर पर दिखने वाले हैं। अब बात करते हैं टीजर की। सीन की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े मैदान से, जहां हिंदुस्तानी लोगों को कैद किया गया है और उन पर जुल्म हो रहा है, और दूसरी तरफ जंग का ऐलान कर दिया गया है और दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई हैं। इस टीजर में बॉबी देओल की झलक भी मुगल बादशाह औरंगजेब के तौर पर दिखाई गई है। वैसे इस फिल्म का सेट काफी शानदार है। जिस तरह से म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल सीन से मैच करता है। ऑनेस्टली मैं ये कहूँ तो इस फिल्म का टीजर KGF मूवी की शुरुआत की तरह दिखाया गया है। वेल, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।